तो आज तारीख है 10 जून, और आज का दिन मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन है जहाँ पर मैंने अपने ऑप्शंस के प्रॉफिट के सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रेड की डिटेल बताता हूँ, यहाँ पर कितने पर बाइंग हुई, कितने पर सेलिंग हुई और क्वांटिटी कितनी हुई। तो देखिए यहाँ पर 2700 क्वांटिटी कुछ 6 रुपये के आसपास बाइंग हुई और 10 रुपये के आसपास सेल हुई। तो यहाँ पर कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो गया ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मुझे काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि आपने ट्रेडिंग छोड़ दी क्या, और किसी किसी भाई को ऐसा भी लगा कि शायद मेरे साथ कोई हादसा हो गया होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरा थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन पर मेरा फोकस है, वो कैसे बेटर कर सकता हूँ, इसलिए मैं दूसरे जॉब पर भी मेरा ज़्यादा ध्यान जाता है। तो ट्रेडिंग पर मुझे टाइम कम मिलता है, और मेरा इक्विटी का जो सेटअप है मैं इक्विटी ही करूँगा, मैं ना ही इक्विटी कभी छोड़ने वाला हूँ। तो फिलहाल ये ऑप्शन में एक बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, और जहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा ट्रिगर मिलता है वहीं पर मैं एंटर कर जाता हूँ, अन्यथा जहाँ पर स्टॉप लॉस कम मिलता है और रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो से मैं यहाँ पर चलता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आज मुझे प्रॉफिट बड़ा हुआ है, पिछले हफ्ते मुझे एक बड़ा लॉस भी हुआ था 15,000 का, तो फाइनली वो लॉस मैंने कवर किया था, और ये प्रॉफिट जो है फिलहाल लॉस कट कर वो मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ। और मैं मेरी अब तक की जर्नी भी मैं शेयर करने वाला हूँ आने वाले वीडियो में। अब जैसे ही मुझे समय मिलता रहेगा मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ब्रोकरेज भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये मैंने बास्केट ऑर्डर लगाया था 2700 क्वांटिटी का, तो यहाँ पर आप ब्रोकरेज भी चेक कर सकते हैं। लगभग 350 को थोड़ी कम है, उतनी ब्रोकरेज हमारी चली गई, और ये प्रॉफिट जो है इसने मेरे ऑप्शन के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। फाइनली मेरा एक ड्रीम था 10,000 से प्लस, मुझे एक दिन तो ऐसा निकालना ही है प्रॉफिट का, तो फाइनली वो आज कंप्लीट हो चुका है। तो आने वाले हम इक्विटी हमारी करेंगे आने वाले कुछ दिनों में, और ये स्ट्रेटजी की जो मैं बैक टेस्टिंग मेरी चल रही है इसमें मैं डेली बैक टेस्ट करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा इक्विटी के लिए भी मैं थोड़ा टाइम कम दे रहा हूँ, क्योंकि इक्विटी में तो अपना चलता रहेगा, लेकिन इस थोड़ा अगर हम अपग्रेड भी होंगे ऑप्शन में तो यहाँ पर भी पैसे बनाने के चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने मेरे सिर्फ प्रॉफिट पर रिस्क लिया था, ना कि मैंने अपनी कैपिटल दाव पर लगाई थी। मेरा इक्विटी में अच्छा खासा प्रॉफिट पड़ा हुआ है, अब उसी पर मैं रिस्क लेकर ये ऑप्शन सीख रहा हूँ, मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर बड़े लॉस और बड़े प्रॉफिट तो होंगे ही, लेकिन आगे की जर्नी में हम देखेंगे क्या होता है। और आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर मैं मेरे डेली का PNL शेयर करता हूँ।